सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्पीड बताने वाला हूँ। स्पीड का हिंदी होता है चाल, यानी आपका जो मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी आपका कार है या बस है या जो भी आपका ट्रक है, सबका एक स्पीड होता है, एक चाल होता है। उसी चाल को मैं यहाँ पर ज्ञात करने वाला हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया गया है, यदि कोई कार 1 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। मान लीजिए कि आपकी कार है जो कि 1 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एच मतलब होता है हावर्स, हावर्स यानी घंटा। बी नंबर ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति मिनट, एम का मतलब है मिनट, 30 KM का मतलब है किलोमीटर, और ये जो है ये तिरछा लाइन जो है इसको प्रति बोलते हैं, ये मिनट है, 30 किलोमीटर प्रति मिनट। सी नंबर ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति मिनट। डी नंबर ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इनमें से आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शंस राइट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इसको टिक लगाते हैं। तो दिया गया है, यदि कोई कार 1 घंटा में 120 किलोमीटर चलती है, तो जो कार है 120 किलोमीटर जो है हमारा 1 घंटा में चलती है, 1 घंटा में जो है 120 किलोमीटर चलती है, और हमको निकालना है इसका चाल। तो ये जो है 1 घंटा क्या है, 1 घंटा क्या है, समय दिया गया है, समय बराबर हमारा 1 घंटा दिया गया है, और 120 किलोमीटर क्या है, 120 किलोमीटर जो है दूरी है, क्योंकि 1 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, यहाँ पर दिया गया है हमारा 120 किलोमीटर। ये दो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, हमको निकालना है चाल, चाल यानी स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर यहाँ पर कर देंगे वाट। तो चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे समय और दूरी दिया गया है, चाल ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है, आपको याद रख लेना है, चाल बराबर दूरी और बटा में समय। ये जो है हमारा सूत्र है, इसको आपको याद कर लेना है। ये जो है फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी सूत्र के सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप बिना सूत्र के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका जो माइंड है यहाँ पर तेज होना चाहिए। तो चलिए इसको सूत्र के सहायता से सॉल्व करेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। चाल हमको निकालना है और दूरी दिया गया है 120 किलोमीटर। तो दूरी जो है 120 किलोमीटर और बटा में समय, समय कितना है, 1 घंटा है, 1 घंटा समय है। 1 घंटा में आपको पता होना चाहिए कि आपको 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में हमारे 60 मिनट होता है। तो हम घंटे को मिनट में बदल लेंगे, यानी समय हमारा कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। घंटे को यहाँ पर एम से सूचित करेंगे, 120 किलोमीटर बटा 60 मिनट। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 60 से 120 जो है दो मरतबे कट जाएगा, 60 दूनी 120। तो देख सकते हैं दो यहाँ पे किलोमीटर, और ये जो बटा में एम है यानी मिनट जो है, ये मिनट है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो, ये जो है किलोमीटर, और बटे को ये से ऐसे प्रति दे देते हैं, तिरछा दे देते हैं, तिरछा लाइन इस जिसे ऑब्लिक बोलते हैं, और यहाँ पे है मिनट, इसको शॉर्ट में एम लिखते हैं मिनट को। तो 2 किलोमीटर प्रति मिनट जो है, ये इस गाड़ी का जो चाल है, ये जो प्रति मिनट 2 किलोमीटर प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर जो गाड़ी चलेगी, ये जो गाड़ी चल रही है जिसका चाल है 1 घंटा में 120 किलोमीटर चल रही है, तो ये जो है 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी।
तो जो चाल है इसका 2 किलोमीटर प्रति मिनट, यही जो है इसका फाइनल आंसर है। और आशा करता हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर चाल हमको निकालना था, 60 से 120 में भाग देंगे 2 किलोमीटर, और नीचे मिनट है, 1 घंटा था तो मैंने घंटा को मिनट में बदल दिया। और यहाँ पे चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति मिनट यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे गलती से 20 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया था, ये जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है कोरेक्ट है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से समझे होंगे, और आपको ये जो स्पीड का वीडियो था बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइज अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।